उर्दू हरूफ तहज्जी को उर्दू मसवते ई से मिलाएं और बनने वाले हर्फ को पढ़ना और लिखना सीखें। प्यारे बच्चों, हमारे पास उर्दू मसवता छोटी ये है जिसकी आवाज़ ई है, इसको तमाम हरूफ तहज्जी से हम मिलाएंगे। बे की आधी शक्ल के साथ मसवते छोटी ये जिसकी आवाज़ ई है को मिलाया तो ब ई पी। बे की आधी शक्ल जिसकी आवाज़ प है के साथ मसवते छोटी ये यानी ई को मिलाया तो प ई पी। ते की आधी शक्ल के साथ मसवते छोटी ये जिसकी आवाज़ ई है को मिलाया तो ट ई टी। ते की आधी शक्ल के साथ मसवते छोटी ये को मिलाया तो ट ई टी। से की आधी शक्ल जिसकी वह स है के साथ मसवते ई को मिलाया तो स ई सी। जीन की आधी शक्ल जिसकी वह ज है के साथ मसवते छोटी ये यानी ई को मिलाया तो ज ई जी। चे की आधी शक्ल के साथ मसवते छोटी ये को मिलाया तो च ई ची। हे की आधी शक्ल के साथ छोटी ये को मिलाया ह ई ही। हे की आधी शक्ल के साथ मसवते छोटी ये को मिलाया तो ख ई की। दाल का खानदान अपनी हकीकी शक्ल बरकरार रखता है और लफ्जों के साथ जुड़ता नहीं है, इसे हम मिला के लिख सकते हैं त ई दी। दाल को मसवते छोटी है जिसकी बस ई है के साथ मिलाया तो ड ई डी। जाल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो ज ई सी। रे का खानदान भी अपनी हकीकी शक्ल बरकरार रखता है और लफ्जों के साथ जुड़ता नहीं है, इसे हम मिला के लिख सकते हैं रे की को छोटी ये से मिलाया तो र ई री। रे को मसवते छोटी ये से मिलाया तो र ई री। जे को मसवते छोटी ये जिसकी आवाज ई है के साथ मिलाया तो ज ई जी। ये को जो छोटी ये मसवते जिसकी आवाज ई है के साथ मिलाया तो य ई यी। सीन और शीन जोड़ीदार अल्फाज है, सीन की भी आधी शक्ल लेंगे हम। सीन की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो स ई सी। शीन की भी आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया जिसकी बस ई है तो श ई शी। स्वाद और स्वाद भी जोड़ीदार अल्फाज है, स्वाद की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो स ई सी। स्वाद की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो ज ई सी। तोएं और जोएं भी जोड़ीदार अल्फाज है लेकिन तोएं अपनी हकीकी शक्ल बरकरार रखता है त ई टी। जोएं को मसवते छोटी ही से मिलाया जिसकी बस ई है तो ज ई सी। एन की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो अ ई ए। गैन की आधी शक्ल को जिसकी बस ग है को मसवते छोटी ही जिसकी बस ई है के साथ मिलाया तो ग ई री। फे की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो फ ई फी। काफ की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो क ई की। काफ की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया तो क ई की। गाफ की आधी शक्ल को मसवते छोटी ही से मिलाया
जिसकी बस ई है तो ग ई री। लाम की आदि शक्ल को मुसव्वते छोटी से मिलाया तो ल ई ली। मीम की आदि शक्ल को मुसव्वते छोटी जिसकी आवाज ई है के साथ मिलाया तो म ई मी। नून की आदि शक्ल को मुसव्वते छोटी से मिलाया तो न ई नी। हे की आदि शक्ल को मुसव्वते छोटी से मिलाया तो ह ई ही। हमजा को मुसव्वते छोटी के साथ मिलाया तो अ ई ई।